हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको समर सीज़न और रेनी सीज़न के एक ऐसे प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और जिसे हम एक्जोरा प्लांट के नाम से जानते हैं। ये देखिए, एक्जोरा प्लांट जो है ये बहुत ही सुंदर ब्लूम करता है। और ये देखिए, ये गुच्छों में ब्लूम करता है। ये देखिए इसके कितने सुंदर ये गुच्छे हैं। ये सब गुच्छे इसके ये ब्लूम करते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप अपने चाहे टेरेस पे रखिए, चाहे आउटसाइड गार्डन में रखिए, कहीं भी रखिए, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है। और तो चलिए, आज की वीडियो मेरी इसी पर आधारित है और हम लोग अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्जोरा प्लांट जो है ये कई वेराइटीज़ में आता है। और जो ये मैंने इसकी रेड वेराइटी अपने घर में अपने गार्डन में लगा रखी है, ये स्टार वेराइटी है। ये हाइब्रिड वेराइटी है, स्टार वेराइटी है ये। और ये केवल रेड कलर में ही नहीं आता, क्योंकि मुझे रेड कलर थोड़ा सा पसंद था तो मैंने रेड कलर लगा रखा है। तो ये केवल रेड कलर में ही नहीं आता है, ये कई कलर्स में आता है। आप अगर नर्सरी में देखें तो इसके पौधे आपको कई कलर में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइट पिंक, डार्क पिंक कलर में आता है, येलो कलर में आता है, वाइट कलर में आता है। तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं। और देखिए, लगा सकते हैं और सभी कलर सुंदर लगते हैं, बट बहुत प्यारे लगते हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो मैं इसकी थोड़ी सी देखभाल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, इसमें ये आपका, जैसे कि ये आपका, ये देखिए ब्लूम कर चुका है। तो इसको हम सीजर्स से लेंगे और ये यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। तो कट करने से ये होगा इसको कि इसमें जो नीचे और ब्रांचेज हैं ये यहाँ से निकलेंगी। इसमें ये देखिए, ये है, ये यहाँ से ब्रांचेज और निकलेंगी और वो जब बड़ी हो जाएंगी तो वो और भी ज़्यादा उसमें गुच्छे आएंगे। बट अगर आप इसकी जो है वो थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो वो झाड़ियों जैसा लगने लगता है, ख़राब दिखने लगता है। जैसे नीचे इसकी ये येलो पत्तियाँ हैं, हम इसको तोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसकी कर लेते हैं। तो ये तो इसकी कटिंग का हो गया। अब मैं आपको इसके थोड़े से इसके थोड़े नरिशमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, वैसे तो सब लोग जो है कोई वर्मी कंपोस्ट भी इसमें यूज़ कर लेते हैं, कभी बोन मील भी डाल देते हैं कि देखिए बोन मील इतना ताकतवर होता है कि हमारा जो है वो प्लांट अच्छा होता है। बट मैं समझती हूँ गर्मियों में ये खादें जो होती हैं गर्म होती हैं, तो मैं तो अपने सभी प्लांट्स में, केवल एक्जोरा में ही नहीं, मैं अपने सभी प्लांट्स में जो है वो अपने घर की बनाई हुई खादों का प्रयोग करती हूँ। और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, एक तो मैं ये किचन वेस्ट जो आपके घर में से निकलता है वो उसको हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको जो है ये जमा करती रहती हूँ। और ये 3-4 दिन का किचन वेस्ट जब हो जाता है तो मैं इसको एक आधी बाल्टी पानी में भिगो देती हूँ। 2 दिन भिगोने के बाद जो है इसको छान के, और इसके जो पानी होता है वो ऐसा फर्टिलाइज़र बन जाता है। देखिए, ये किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र कहलाता है। और ये किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में जो है वो ये डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, ये न्यूट्रिशियस होता है। इसमें देखिए सभी तरीके के विटामिन होते हैं आपके, प्याज के छिलके आदि होते हैं, तो प्याज के छिलके में भी बहुत विटामिन होते हैं। और जो हरी सब्जियां हैं इसको, इसमें नींबू के छिलके भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि इसकी सॉइल जो है थोड़ी साइट्रिक वैसी बन जाएगी, तो वो भी इसको पसंद होता है। इसके साथ ही साथ जो है वो इसमें मैं चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, ये चाय की पत्ती होती है, जैसे चाय बनाई हमने सन में रख दी एक दिन, वो चाय की पत्ती जो है देखिए सूख गई। सूखने के बाद हम इसको ऐसे करके इसमें ये डाल सकते हैं। और ये डाल के, और फिर जो है हमारा जो गार्डनर वो हैगा, उससे हम इसको थोड़ा थोड़ा इसकी गुड़ाई कर दें। ये 15-20 दिन में, महीने में एक बार इस, बस आप ये फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए, फिर आप मुझे रिजल्ट्स बताइएगा। देखिए, आपके एक केवल यही नहीं, आप किसी भी पौधे में इस फर्टिलाइज़र का, जो ये होममेड फर्टिलाइज़र है, इसका यूज़ करिए। फिर आप इसका जो है, और एक बनाना पील का भी फर्टिलाइज़र आता है, वो यूज़ करिए। फिर आप मुझे रिजल्ट्स बताइएगा कि आपके यहाँ अभी ऐसे तरीके के गुच्छे खिले या नहीं खिले। और ये देखिए, एक ये कटिंग से भी लगाया जाता है एक्जोरा प्लांट ये कटिंग से भी लगाया जाता है। ये जो मेरा गमला है ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से आप इसकी केयर करिए और इसके गमलों की सफाई करते रहिए।
ये ज़्यादा केयर नहीं चाहता है और बहुत ही प्यारा लगता है रेड रेड फ्लावर्स इसके। आशा आपका वीडियो, मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरी खादों का उपयोग अपने सभी गमलों में कीजिए। उसके बाद मुझे रिज़ल्ट बताइएगा कि कैसे आपके फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, और बेल का बटन दबाइए। थैंक यू।